हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं कुछ खास लेकर आई हूँ, जिसे कटहल का सब्जी बनाना है। आज तो सब्जी का कटहल का सीजन चल रहा है आजकल, तो कटहल पूरा ताज़ा होना चाहिए, बिल्कुल नहीं हरा होना चाहिए। तो आज हम कुछ खास एकदम स्पेशल बनाएंगे। तो चलिए कटहल को काट लेते हैं। तो सबसे पहले हम तेल हाथ में लगा लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि इसका जो चिपचिपा है वो नहीं हाथ में हो। फिर इसे हम पीस पीस काटेंगे। ये देखिए कटहल को हमने काट लिया छोटे छोटे पीस में, और बीज इसका सारा निकाल दिए हैं। और ये कटहल चिकन से भी अच्छा होगा एकदम। अब इसको चलिए बॉयल कर लेते हैं। कुकर में थोड़ा सा तेल डाल दें, फिर सारे कटहल को इसमें डाल दीजिए। एक गिलास पानी डाल दीजिए, एक गिलास पानी इसमें डाल दें और एक सीटी इसको लगवा दें, बिल्कुल मीडियम आंच पर इसको एक सीटी लगने दें। तब तक चलिए हम मसाला बताते हैं। ये देखिए मसाला बिल्कुल ही सिंपल है, ये सब्जी हेल्दी भी है, ज़्यादा मसाला वाला नहीं है। तो ये प्याज हमने काटा है, एक प्याज हम काटे हैं, तो इसको ग्राइंड करेंगे मात्र एक ही प्याज है, प्याज थोड़ा बड़ा सा है। ये लहसुन हमने लिया है, ये भी ग्राइंड करेंगे, और थोड़ा सा ये जीरा है और थोड़ा सा गोलमिर्च है, बस इसको ग्राइंड कर लेंगे। मसाले को हमने ग्राइंड कर लिया है, देखिए बिल्कुल महीन है। और कटहल भी हमारा हो चला है, देखिए बॉयल हो गया है। अभी कटहल को हम फ्राई करेंगे, तो चलिए फ्राई करते हैं। ये देखिए कढ़ाई हमने चढ़ा लिया है, तो इसमें अब हम तेल डालेंगे। ज़्यादा तेल नहीं डालना है, हल्का ही डालना है। ये देखिए तेल हमारा गर्म हो चुका, तो इसमें हम कटहल को डाल देंगे। हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, नमक डाल के हम फ्राई करें और इसको अच्छा से मिला लेंगे। और इसको 5 मिनट तक फ्राई करें, जब तक नमक इसमें पूरी तरह मिल न जाए। ये देखिए कटहल हमने फ्राई कर लिया है, थोड़ा सा फ्राई हो, गोल्डन थोड़ा सा हो तो उतार ले। देखिए नमक जरूर डालें, क्योंकि इसमें नमक अंदर तक जाता है फ्राई करने के बाद। तो चलिए हम चलते हैं कढ़ाई की तरफ, ग्रेवी की तरफ। तो चलते हैं हम ग्रेवी की तरफ। तो कढ़ाई हमने पहले से ही रख लिया है, तेल भी गर्म हो चुका है, तो इसमें हम पहले तेल में डालेंगे थोड़ा सा जीरा। जीरा थोड़ा लाल होगा, थोड़ा सा ब्राउन होगा, तब इसमें हम डालेंगे 2 छोटी इलायची जिसे हमने कूट लिया है। फिर हम डालेंगे प्याज और 2 लाल मिर्च। फिर इसे प्याज लाल करेंगे भूनकर। ये देखिए हमारा प्याज बिल्कुल ब्राउन हो चुका है। तो हमने जो मसाला, तो इसमें जो मसाला हमने तैयार किया था उसको डालेंगे। फिर इसको भी डालेंगे। फिर इसमें हल्दी डालेंगे, हल्दी पाउडर। फिर इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च डालेंगे पाउडर। अब इसको पूरा भुनेंगे, लाल करेंगे।
ये देखिए हमारे मसाले बिल्कुल भुना गए हैं, बिल्कुल ही ब्राउन हो चुके हैं, तेल भी छोड़ दिया है मसाला। तो अब इसमें हम टमाटर डालेंगे और टमाटर में थोड़ा सा नमक मिला देंगे क्योंकि टमाटर जल्दी गल जाएगा। थोड़ा सा नमक डालेंगे फिर इसको मिलाएंगे। फिर 5 से 7 मिनट तक इसको भुनेंगे। ये देखिए हमारा मसाला भुना गया है और टमाटर भी गल चुका है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, इतनी अच्छी कि क्या बताएं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। एक बार ज़रूर बनाएं तो अब बार बार यही बनाएंगे कटहल का हमारा सब्जी। तो इसमें थोड़ा सा हम कश्मीरी मिर्च मिला देते हैं। इसको मिला लेंगे। फिर मसाले का हमारा कलर देखिए कितना अच्छा आया है। हम इसमें अब कटहल मिलाएंगे। और इसको मिला लेंगे। बहुत ही अच्छी सब्जी होगी, बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है। एक बार आप बना लेंगे तो बार बार यही बनाएंगे। कटहल ताज़ा होना चाहिए और बीज निकाल ले, बीज नहीं होना चाहिए उसमें। अच्छा तरह से मिला लिया है। देखिए अब इसमें हम नमक डाल देंगे। कटहल में भी हम नमक डाले थे जब फ्राई किए थे तो, और टमाटर गलने के लिए भी हमने नमक डाले थे। तो अपने स्वाद अनुसार अपने अंदाज से ही नमक डाले इसमें। अब इसको अच्छे से मिला ले। ये देखिए हमने नमक अच्छे से मिला लिया है। आप चाहें तो इसमें चिकन मसाला भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, उससे और टेस्टी और स्वादिष्ट हो जाएगा। अब इसको हम 2 मिनट के लिए ढक देंगे। 2 मिनट के लिए इसको ढकेंगे। तो चलिए इसे देखते हैं। 2 मिनट हो चुका है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, इतनी अच्छी कि क्या बताएं, हमारे तो मुंह में पानी आ गया है अभी। देखिए इसको चला लें अच्छा से। अब हमारा सब्जी हो चला है। अब इसमें हम पानी थोड़ा सा डालेंगे। चलिए हम इसमें पानी डालते हैं। अब इसको मिला लें अच्छा से। ये देखिए हमने पानी डाल लिया है। अब इसमें थोड़ा सा हम गरम मसाला डालेंगे। अब इसको मिला लेंगे। हमारे सब्जी का कलर आप देख रहे हैं कितना अच्छा आया है, बहुत ही अच्छी सब्जी है। एक बार आप बना लेंगे तो बार बार यही बनाएंगे। कटहल का दिन भी है, सीजन है कटहल का। तो चलिए इसे हम 5 मिनट के लिए अब इसमें उबाल आने दें। इसको ढक देते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा सब्जी। वाओ कितना अच्छा कलर आया है, कितना अच्छा देखने में लग रहा है, खाने में भी उतना ही अच्छा लगेगा। ये देखिए हमारा सब्जी तैयार हो गया है। अब हम गैस ऑफ कर लेते हैं। ग्रेवी देखिए इसकी, ग्रेवी देखिए कितनी गाढ़ी है। तो आज का हमारा रेसिपी यहीं ख़त्म होता है। तो आप एक बार ज़रूर हमारा कटहल का सब्जी बनाएं। सब्जी चिकन से कम नहीं लगेगा आपको। एक बार बना के ज़रूर देखिएगा, तो बार बार बनाइएगा। तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाते रहें क्योंकि हमारा नया नया वीडियो आपके पास पहुँचते रहें। थैंक यू।